ओके गाइस, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? सबसे पहले तो हम लोग इसके नाम पे जाते हैं ना, किसका मतलब क्या है। क्रोमोसोम क्या है को पता है कि ये आपके जो जेनेटिक बेसिस है उन सबको लेके आने वाली एक कंडेंस्ड पैकिंग है। उसके साथ दूसरी चीज हमारे पास आ गई इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? बेसिकली इनहेरिटेंस इज द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट इज कोडेड इनसाइड द डीएनए एंड इट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये इनहेरिटेंस जो है ये आती ही क्रोमोसोम की सूरत में, थ्योरी है। अब ये थ्योरी जो है बेसिकली सेंट्रल रोल जो है क्रोमोसोम का, ये कार्ल कोरेंस ने सबसे पहले जो है 1900 के अंदर इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट्स दिए। उसके बाद इसकी थ्योरीज को बेस बनाते हुए उसने ये बताया कि किस तरीके से आपके पास माइटोसिस मियोसिस के दौरान जो है ये आपके क्रोमोसोम्स जो हैं ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और इनकी अलील जो है जीन्स की वो एक दूसरे के पास जाती हैं। खैर, डिटेल की चीज़ें थी ये। 1902 के अंदर जो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट था हुज नेम वाज वॉल्टर सटन। वॉल्टर सटन ने एक थ्योरी दी, उसने सेवरल पीसेस भी दिए, अपने एविडेंसेस भी जो है वो प्रेजेंट किए। उसने कहा कि रिप्रोडक्शन के अंदर इनिशियल यूनियन जो है वो दो सेल्स की इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर एक स्पर्म और एक एग है। अब उसके अंदर दो सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो मेंडेलियन हम लोग जो है अगर करेक्टर्स को हम लोग करेक्ट माने तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि जो दो कमीट आपस में मिल रहे हैं वो दोनों हाफ हाफ हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अल्टीमेटली वो जो कंट्रीब्यूशन है वो आने वाली जनरेशन में पाई जाती है। इसी तरीके से उन्होंने डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के बारे में बात की कि उनके अंदर चुके जो है वो दो पेरेंट्स से आया हुआ होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई वो दोनों उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाए। तो सडन इस तरह की जो थ्योरीज हैं उन लोग उस क्रोमोसोम वगैरह के बारे में दी। सो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अगर ये थ्योरीज ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो आ रहा था बाद में कि अगर मेंडेलियन करेक्टर्स जो है उनको जीन्स की बेस पर हम लोग डिटर्मिन कर रहे हैं जो कि आपके डिफरेंट लोकाई पर पाई जाती हैं, तो फिर वो कहता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी अगर ठीक है, वो ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट कर रही है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं वो, तो अल्टीमेटली ये बताएं कि कैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं क्रोमोसोम के वो कहीं पे ज्यादा एक्सीड हो जाते हैं और कुछ जीन्स वगैरह जो है वो अपने आप को ज्यादा सुपरली एक्सीड करवा देती हैं, डोमिनेट करवा देती हैं, तो ये कैसे हो जाता है। इस तरह के कुछ सवाल जो हैं वो लोगों को रिजर्वेशन रही सटन की थ्योरी के ऊपर। तो 1910 के अंदर टीएच मॉर्गन ने, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने 8 साल के बाद, यानी कि उसकी थ्योरी के 8 ईयर्स के बाद, यानी कि 1910 के अंदर जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने सटन की थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करना चाहा और बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम ही बेसिकली जो है वो आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का एक एजेंट है। उसने क्या किया, उसने ये देखा कि आपके पास ना एक नेचुरली ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की एक टाइप ऐसी उसको नजर आई जिसकी आंखें जो है वो सफ़ेद थी। आमतौर पर ड्रोसोफिला की आंखें रेड थी। उसने जब देखा कि जो म्यूटेंट फ्लाई है जिसकी आंखें सफ़ेद हैं ये किस तरीके से हमारे पास जो है वो सफ़ेद आ गई हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसकी आंखें जो है वो रेड ही होनी चाहिए बाकियों की तरह। लेकिन उसने फिर गौर किया कि वो एक तो है मेल, ऊपर से उसकी आंखें जो है वाइट हैं। उसने फिर क्या किया, उसने क्रॉस करवाया इस वाइट आइड मेल का, उसने क्रॉस करवाया रेड आइड फीमेल के साथ और उसने देखा कि आने वाली जो प्रोजिनी है पहली वो सारी की सारी जो है उसमें रेड आईज ही हैं। ठीक है, उसने जब रेड आईज ही देखी उसने कहा यार कि तो मतलब आपके पास जो है वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी सेम ही आ गई है। अब उसने जब ऐसे देखा और उसने देखा कि इसके साथ अगर वाइट आइड को वो देखे तो ये उसको नजर आई कि एक रिसेसिव ट्रेट है। फिर उसने ये किया कि उसने क्रॉस करवाया, इसका सेल्फ क्रॉस करवाया तो उसमें उसने देखा कि जब वाइट आइड फीमेल, जब F2 यानी कि जो सेकेंड इसके पास जो फिलियल 2 जनरेशन आई थी उसके अंदर वाइट आइड जितनी भी आपके पास ऑर्गेनिज्म पैदा हुए वो सारे के सारे मेल थे। ठीक है, तो वाइट आइड मेल जो है वो F2 फिलियल जनरेशन के अंदर F2 के अंदर वो सारे के सारे प्रोड्यूस हुए। फिर उसने कहा कि ये कैसे रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वाइट आइड फीमेल टू फ्लाई और टू एग्जिस्ट, वाइट आइड फीमेल तो होगी नहीं। तो इस तरह से उसने कहा कि भाई क्रोमोसोम जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने जब इनका फर्दर क्रॉस करवाया और मेंडेलियन ट्रेट को इसके ऊपर उसने लागू करवाया तो उसने ये देखा कि आपके पास अल्टीमेटली जो रेशो आई वो 1:1:1:1, यानी कि 50% उसके पास जो है वो वाइट आइड मेल थे और 50% उसके पास जो है वाइट आइड फीमेल थे। फिर उसने ये डिड्यूस किया कि ये जो जीन है बेसिकली वाइट आई की ये पाई जाती है ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड 50% आर द चांसेस कि ये जीन जो है ये मेल में चली जाए या ये फीमेल के अंदर चली जाए। लिहाजा फिर इससे उसने जो क्रोमोसोमल थ्योरी है और इनहेरिटेंस है उसको उसने राइट प्रूव करवाया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो अगर आप लोग नेक्स्ट अपने पेज पे देखेंगे फिगर नंबर 20.6 है इसके अंदर, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं और क्रॉस करवाने के नतीजे में अल्टीमेटली आपको जो है वो फिलियल 2 जनरेशन के अंदर नजर आ रहे हैं कि आपके पास जो मेल्स हैं उनमें भी देखें आप, इनमें से एक की जो है वो आईज वाइट है, इस तरह एक फीमेल की आईज है वो उसके अंदर जो है हेटरोजाइगस जनरेशन आ गई है। तो इस तरीके से उसने देखा कि आने वाली जनरेशन में एक्स लिंक ट्रेट की बेस पे चुके आप लोगों को जीन्स बेस जीन की बेस पे आप लोगों को कलर ऑफ आई और सेक्स जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। सो उसने
उन्होंने ये डिड्यूस किया कि यार अल्टीमेटली जो है वो आप लोगों की जो क्रोमोसोम है बेसिकली वही डिटरमिन करते हैं कि आने वाली जनरेशन में किस तरह के करेक्टर्स होंगे, कौन से ट्रेट्स होंगे, कौन सी उसकी जीनोटाइप होगी, किस तरीके की फिनोटाइप होगी. सो ईच एंड एवरीथिंग इज बेसिकली प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. दिस वॉज डिड्यूस्ड बाय थॉमस एंड मॉर्गन विच वॉज एक्चुअली सपोर्टिंग सेटन्स थ्योरी, और सेटन की थ्योरी वॉज बेस्ड अपॉन द मेंडेलियन ट्रेट्स. आप लोगों ने इस सीक्वेंस को याद रखना है, 1900, 1902 और 1910. इस तरीके से ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो एविडेंसेस थे इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स. इसने जब ये बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस को लेकर आगे चलते हैं, इससे पहले ना किसी ने बताया था. अगर किसी ने बताया भी था तो उसने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था, इसने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके एविडेंसेस दिए और सटन की थ्योरी को राइट प्रूव करवाया, और इसकी इस थ्योरी की बेस पे इसको काफी ज्यादा प्रेज भी मिला. सो ये थ्योरी जो है ये हमारे पास जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाती है. और इसके बाद एंड पे एक लाइन गिवन है, वो आप लोगों ने बड़े गौर से देखनी है कि मेंडेलियन ट्रेट सजेस्ट आइगर इन ड्रोसोफिला अ सॉर्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज क्रोमोसोम्स डू. चूंकि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं तो जाहिर है जीन ने भी तो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है ना, तो लिहाजा फिर अल्टीमेटली ये भी जिधर इसका दिल जाएगा ये इजिली अपने आप को डाइवर्स करवा देगी. मिसाल के तौर पर दो ट्रेन हैं वो जा रही हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक जा रही है साउथ में एक जा रही है ईस्ट में, और कोई एक शख्स वो ईस्ट वाली में मतलब बैठा हुआ है, तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साउथ वाली किधर जा रही है, वो ईस्ट वाली की तरफ ही जाएगा क्योंकि वो उस ट्रेन का मुसाफिर है. बिल्कुल इसी तरह जीन्स क्रोमोसोम की मुसाफिर है, और जिधर क्रोमोसोम जाएंगे जीन्स भी उधर ही जाएंगी, और वो क्या है, क्रोमोसोम है ना, लिहाजा इनहेरिटेंस को कौन लेके पिक कर रहा है, क्रोमोसोम. दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल कम बैक विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.